वेलकम बैक टू आवर चैनल। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंसेस। आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी या बचपन से आपको टेंसेस के बारे में बहुत बार पढ़ाया गया है, तो ऐसा क्या मैं नया आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जो इस वीडियो को आप पूरा देखें। आज मैं टेंसेस को अपनी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है आपको बताने वाला हूं। सो अगर आप अपनी इंग्लिश को एक्चुअली में इंप्रूव करने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और कुछ सजेशन से मेरे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना तो इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो एक नोटबुक और पेन के साथ जरूर बैठिए, वीडियो को पॉज करिए और जाइए एक नोटबुक और पेन लेकर आइए। सो होपफुली आप नोटबुक और पेन ले आए होंगे। बिना समय गंवाएं आज की इस टेंस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये टेंसेस होते क्या हैं। सिंपली टाइम पीरियड्स हम इन्हें कह सकते हैं। जैसे हिंदी में हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी कि हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है, उसी प्रकार इंग्लिश में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। टेंसेज में इनको डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूज कर देती हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि यार है क्यों ये, इसका प्रैक्टिकल यूज ही नहीं पता है ज्यादातर बच्चों को। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं टेंसेस के प्रैक्टिकल यूजेस को। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि बिना किसी टेंस के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस में बोला जा रहा है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आई गो, और यही सेंटेंस मैं पास्ट में बोलूं तो यह बन जाएगा आई वेंट, और यही अगर मैं फ्यूचर में बोलूं तो यह बन जाएगा आई विल गो। ना आपको रहा रही देखना है ना था थी देखना है। ज्यादातर टेंसेस की क्लास में जो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी या स्कूल कॉलेज में जो आपको पढ़ाया जाता है, वहां पर अक्सर जाता है, रहा है, रही है, जा चुके थे, इन सारे लाइक सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड्स यूज होते हैं उनसे आपको कहा जाता है कि आप ट्रांसलेशन करिए और सेंटेंसेस बनाइए। इसी वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल तरीका नहीं है चीजों को समझने का। हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। अगर हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा फंसे रह जाएंगे। 12 साल 15 साल आपने स्कूल कॉलेज में देकर इंग्लिश को पढ़ लिया है, ट्रांसलेशन करने की कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश समझनी बोलनी नहीं आई है। समझ तो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि क्या समझाए तो एग्जैक्टली हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेंसेस की एक प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं है। हमें नहीं पता है कि आई गो का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आई वेंट का क्या मतलब होता है, और आई विल गो या आई एम गोइंग और भी बहुत सारे टेंसेस में सेंटेंसेस बनते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं इस टेंस की क्लास को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि इंग्लिश में जो वर्ब होती हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, काम। दुनिया के जितने भी काम होते हैं उन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। जैसे कॉलेज जाना, यहां पर हमारा जाना काम है, जाने को इंग्लिश में गो कहा जाता है। तो जितने भी इंग्लिश में काम होते हैं इनकी फॉर्म्स होती हैं, गो वेंट हो जाता है, थर्ड फॉर्म में गॉन भी हो जाता है, और अगर हम इसमें आईएनजी लगा दें तो ये गोइंग भी बन जाएगा। दिस हाउ दिस वर्क्स विद एवरी वर्ब, ये हर वर्ब के साथ काम करेगा, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, कोई भी वर्ब हो वो फॉर्म रखकर चलती है। ये आपको समझना पड़ेगा, एवरी वर्ब हैज अ फॉर्म, वही फॉर्म उसको प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर में ट्रेवल करने में हेल्प करती है। आप ये समझ सकते हैं कि इंग्लिश में जो वर्ब्स की फॉर्म होती है वो टाइम मशीन की तरह है, जो किसी वर्ब को एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड में ट्रेवल करने में हेल्प करती हैं। आपको ना रहा रही देखना है ना था थी देखना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो वर्ब्स की फॉर्म होती है इनके यूजेस क्या है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक दो और एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। स्पीक, स्पीक की सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है स्पोकन, और इसमें इसी प्रकार अगर हम आईएनजी लगा दें तो स्पीकिंग, और एस और ईएस लगा दें तो स्पीक्स बन जाता है। सो देयर आर लॉट ऑफ वर्ब्स, मैं सारी वर्ब्स का एग्जांपल आपको यहां पर क्लास में नहीं दे सकता। सो लेट्स गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दिस। जैसे गो, गो वेंट हो गया इसका मतलब भी जाना है, गॉन हो गया इसका मतलब भी जाना है, गोइंग हो गया इसका मतलब भी जाना है। हर परिस्थिति में गो का मतलब जाना ही है, लेकिन अलग अलग समय अंतरालों में। गॉट इट? स्पीक का मतलब भी बोलना है, स्पोक का मतलब भी बोलना है, स्पोकन का मतलब भी बोलना है, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड्स में। आप ये कह सकते हैं कि टेंसेस बस इतने से हैं कि आपको इन सारी वर्ब्स की फॉर्म के इस्तेमाल के बारे में इंफॉर्मेशन हो जाए। चलिए आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है ये क्या है, पहले हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस शब्द को समझना पड़ेगा। लाइक जब भी आप कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे
प्रेजेंट हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए कि यहां पर मैंने प्रेजेंट लिख भी रखा है। जो वर्ब होगी यानी हमारा जो काम होगा उसमें हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा, वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो यानी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट में कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, हर परिस्थिति में हम आईएनजी लगाएंगे। अब आप कहोगे सर कॉन्टिन्यूअस मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यू आपने सुना होगा, जब आप टीवी देखते थे पहले उसमें आता था टू बी कॉन्टिन्यूड, कॉन्टिन्यू कंटिन्यू जारी रखिए। जैसे आप इस समय एक वीडियो देख रहे हैं, ये काम चल रहा है। अगर आपको अभी सेंटेंस बनाना हो सो आप जिस टेंस में बनाएंगे उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, और ये प्रेजेंट में हो रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी, और कौन सी वर्ब की फॉर्म उसे दिखाती है, आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी का मतलब ये होता है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। सो यहां पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स दे रहा हूं, जब स्ट्रक्चर्स ये पूरे हो जाएंगे मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, बताऊंगा, तब आपको वीडियो पॉज करनी है और सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं अगर आप एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। ओके सो लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आई की, और वर्ब में आईएनजी लगा दिया, और आई के साथ वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए हमें एम चाहिए। अब भाई आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखना होता है वॉच, सो बनेगा आई एम वॉचिंग वीडियो, आई एम लर्निंग इंग्लिश, I am attending the class, मैं अपने लिए कह सकता हूं I am teaching on YouTube, I am wearing a shirt, I am looking good, I am building a business, I am riding a bike. You can make a lot of sentences. जब ये काम आप खुद कर रहे होंगे तो वीडियो को पॉज करिए और 10 sentences अपनी तरफ से लिखें, या आप कमेंट में भी sentences को लिख सकते हैं। Okay? सो होपफुली आपने सेंटेंसेस को लिख लिया होगा। अब ये बात आपने अपने बारे में कर ली, लेकिन आपको अगर मेरे बारे में ये बोलना हो कि सर आप पढ़ा रहे हैं, आपको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यू, बहुत बेहतरीन। और यू के साथ वर्ब में जब हमें आईएनजी लगाना है तो उसके लिए कौन सा सब चाहिए, आर, बहुत अच्छे। तो यू के साथ आर और वर्ब में आप आईएनजी लगा देते हैं। तो अगर आपको मुझसे कुछ कहना हो कि भैया आप कुछ कर रहे हो तो बोलोगे यू आर, जैसे यू आर टीचिंग, You are watching my video. You are writing. You are going. You are coming. You are learning English. You are fighting. You are dancing. You are playing. You are speaking. You are telling a lie. You are speaking truth. You are looking good. कोई भी sentence आप बना सकते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए, जो आपके सामने हो, जैसे आप, तुम, तू, कुछ भी आप बोलते हो उसको इंग्लिश में हम यू बोलेंगे, यू के साथ आर लगाएंगे और वर्ब में आई एन जी लग जाएगा। Very simple it is. ओके तो वीडियो को पॉज करिए और 10 सेंटेंस फिर से अपनी तरफ से बनाएं यू के साथ इस फॉर्मूले पे। जैसे पहले आपने 10 सेंटेंस इस फॉर्मूले से बनाए हैं, वैसे ही 10 सेंटेंस इस वाले फॉर्मूले से बनाएं। ओके अब बात करते हैं आप और मैं। मान लीजिए हम दोनों किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई हमारा फ्रेंड है, उसके बारे में कोई डिस्कशन कर रहा हूं कि भैया फला आदमी कोई काम कर रहा है, राहुल जा रहा है, या राहुल की जगह पर हमने राहुल भी नहीं यूज किया, मैंने कहा वो जा रहा है। आप और हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा होता है थर्ड पर्सन, जैसे आप ही कह सकते हैं, अगर लड़की है तो शी हो जाएगा, अगर कोई निर्जीव चीज है तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका डिस्कशन बाद में करेंगे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ही शी या कोई नाम आप यूज कर सकते हैं उसके साथ, वर्ब में आपको आई एन जी लगाना है। वेरी सिंपल, ही इज या माई फादर इज, अब पहले ही के साथ बनाते हैं सेंटेंस, लाइक ही इज कॉलिंग, He is dancing, he is playing, he is attending class, he is writing, he is speaking, he is running, he is flying the kite, he is taking bath, he is taking tea, he is driving the car, he is riding the bike, he is riding the bicycle, he is going to school, he is playing cricket, she is cooking food, she is studying, she is running, she is doing exercise, she is teaching. You can make these kind of sentences with he or she. लेकिन अगर आप चाहें तो यहां पर आप और मैं आपके पापा के बारे में भी तो बात कर सकते हैं। मैंने बोला your father is calling, my father is going to gym, my mother is preparing food, my sister is going to temple, my brother is coming here. You can make a lot of sentences like that. आप इस प्रकार के बहुत सारे sentences को बना सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और he के साथ और she के साथ पांच पांच sentences आप बनाएं। Done? So एक बार प्रैक्टिस करते हैं। I के साथ अगर कोई काम कर रहे हो, मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं तो कैसे बोलेंगे आप?
आई एम वॉचिंग वीडियो, यू के साथ यू आर वॉचिंग वीडियो, ही के साथ ही इज वॉचिंग वीडियो, सी के साथ सी इज वॉचिंग वीडियो, प्ले गिटार, आई एम प्लेइंग गिटार, यू आर प्लेइंग गिटार, ही इज प्लेइंग गिटार और सी इज प्लेइंग गिटार, गॉट इट? यस, वेरी सिंपल इट इज. अब बात आती है दे और वी की. इनके साथ आप सेम ग्रामर यूज करेंगे जो यू के साथ आप यूज करते हैं. जब एक से अधिक लोगों की बात करें वहां पर तो वो दे हो जाते हैं, जब यहां पर एक से अधिक लोगों की बात करें तो हम, यानी दो. बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दो लोग बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यू विल नॉट से आई एम वॉचिंग द वीडियो. अगर आप आई कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड या बहन, जो सिस्टर या किसी के साथ भी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप उसे एक्सक्लूड करके बोल रहे हैं कि आई एम वॉचिंग वीडियो. लेकिन अगर आप उनको इंक्लूड कर लेंगे तो बोलेंगे वी आर वॉचिंग वीडियो. अगर वैसे ही दो लोग वहां पर हैं तो उनके लिए दे का इस्तेमाल होगा. दे आर गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर राइटिंग. जो ग्रामर आप दे और वी के साथ यूज करते हैं वही ग्रामर आप यू के साथ यूज करते हैं, या आप कह सकते हैं जो ग्रामर आप यू के साथ यूज करते हैं वही ग्रामर आप दे और वी के साथ यूज करते हैं. हाउ सिंपल इट इज, बहुत आसान है आपके लिए, है ना. तो आप वीडियो को पॉज करिए और दे और वी के साथ भी 5-5 सेंटेंसेस बना सकते हैं. होपफुली आपने सेंटेंसेस बना लिए होंगे. आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. सो होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे स्ट्रक्चर्स. अब आगे बढ़ते हैं इन स्ट्रक्चर्स के बारे में. These are question and answer and negative formulas. इनके बारे में थोड़ा सा discussion कर लिया जाए. अगर आपको कोई question पूछना हो सामने वाले व्यक्ति से तो आप you are ना बोलकर are you बोलेंगे. You are का मतलब होता है, जैसे आपने मुझसे कहा you are teaching, मतलब तुम पढ़ा रहे हो. आप confirm नहीं कर रहे हैं कि आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं. लेकिन अगर आप are को आगे ले आएंगे so आप question कर रहे हैं. Like are you, वर्ब प्लस आई एन जी. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सारे जवाब आपको पॉजिटिव देने हैं, यानी आई एम वर्ब प्लस आई एन जी. गॉट इट? ओके. आर यू वॉचिंग दिस वीडियो? आई एम वॉचिंग दिस वीडियो. ओके. आर यू सिटिंग? आई एम सिटिंग. आर यू स्पीकिंग? यस. आर यू लिसनिंग? आर यू डांसिंग? यस. सो दिस हाउ यू कैन गिव द पॉजिटिव आंसर्स. अब बात करते हैं निगेटिव आंसर्स की. आर यू ड्रिंकिंग बियर? I am not drinking beer. Yes. Are you standing? Mana kariye, I am not standing. Okay. Are you going to gym? Mana kariye, I am not going to gym. Are you abusing? Mana kariye, I am not abusing. Same, we can ask with he also. Is he verb plus ing? अगर मैं he के लिए questions पूछूं, तो सारे जवाब आपको पहले positive में देने हैं. Like, is he going? Is he writing? Is he dancing? Is he speaking? Is he running? Yes, सारे जवाब आपने पॉजिटिव में दे दिए. जब मैंने क्वेश्चन पूछा इज ही रनिंग, तो क्या जवाब दिया आपने? ही इज रनिंग. वेरी गुड. मैंने पूछा इज ही डांसिंग, तो क्या जवाब दिया आपने? ही इज डांसिंग. लेकिन यही जवाब अगर मुझे नेगेटिव देने होंगे तो ही के साथ इज और नॉट और वर्ब में हम आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, इज ही गोइंग? मना करिए, ही इज नॉट गोइंग. चलिए ही की जगह पर शी ले लेते हैं, फीमेल है कोई. इज सी टीचिंग? मना करिए, सी इज नॉट टीचिंग. वेरी गुड. सो मैं आपको यहां पर कुछ अभी वर्ब देने वाला हूं. इन फॉर्मूलास को आप लिख सकते हैं या चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. बाद में आप इन फॉर्मूलास को अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कुछ वर्ब्स के साथ सेंटेंसेस बनाइए. इस चीज को आपको अपने दिमाग में दोहराते रहना है. इसके अलावा कोई भी इंग्लिश की वीडियो मत देखिएगा. अगर आप रियली चाहते हैं इंग्लिश को इंप्रूव करना, जो फॉर्मूलास मैंने आपको बताए हैं इन फॉर्मूलास को अपने दिमाग में घुमाते रहिए. जब आंख बंद करें तो सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जब कोई काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा हो, इस परिस्थिति में जब कोई काम चल रहा है उस परिस्थिति के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली इस प्रकार पढ़ाया. You got it? तो मैं कुछ वर्ब्स अभी आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं. इन वर्ब्स का इस्तेमाल करके आप अपना होमवर्क जरूर करिएगा और कोशिश करें कमेंट बॉक्स में आप पूरे सेंटेंसेस बनाकर एक दो एग्जांपल्स के साथ जरूर ड्रॉप करें. तो ये वर्ब्स हैं जिनका यूज करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. लेकिन मैं आपको कहूंगा, आप एक्चुअल में अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको नोटबुक में क्लास की तरह आप नोट डाउन कर लीजिए और इनसे सेंटेंसेस बनाकर अपनी प्रैक्टिस करिएगा. और पूरे समय, पूरा दिन आपको उन सेंटेंसेस को अपने दिमाग में घुमाते रहना है और परिस्थितियों को ऑब्जर्व करके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके. इस तरह से हम एक एक टेंस को कवर करेंगे हर दिन. सारे टेंसेस एक दिन में याद नहीं होते. अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से चाहते हैं कि कोई चीज हमारे दिमाग में बैठे तो हमारे दिमाग को भी डाइजेशन की आवश्यकता पड़ेगी. मान लीजिए आपके अंदर कैल्शियम की कमी है और आप एक डिब्बा पूरा कैल्शियम आज खा लें तो फायदा होगा? नहीं होगा ना, बीमार पड़ जाएंगे आप.
धीरे धीरे आपको हर दिन छोटे छोटे डोजेस लेने पड़ते हैं, तब जाकर आपको फायदा होता है। इसी प्रकार अगर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक ही दिन बहुत सारे टेंसेस पढ़ लेने से या बहुत सारी वीडियोस देख लेने से या बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा कर लेने से आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, आप सिर्फ परेशान होंगे। छोटे छोटे स्टेप्स अगर हर दिन लिए जाएं, अपने रूटीन को अच्छा कर लिया जाए, तो हाँ आज नहीं तो कल सफलता हमें जरूर मिलेगी, वो चाहे इंग्लिश सीखने को लेकर हो या कोई और सफलता आप जीवन में चाहते हैं। सो बिल्कुल मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा कि आप इस वीडियो को समझ चुके हैं अच्छी तरीके से, कमेंट में जाइए, एटलीस्ट एक वर्ब के साथ सारे फॉर्मूलाज में सेंटेंसेस बनाइए और ड्रॉप करिए। मैं जानना चाहता हूं कि आप एक्चुअल में कितना सीखे हैं इस वीडियो से। सो होपफुली इफ यू लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए। हम कोशिश करेंगे इसी प्रकार का कंटेंट और भी आपको प्रोवाइड करें ताकि आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपके इंग्लिश इम्प्रूव करना नहीं, भारत से इस इंग्लिश नामक दिक्कत को एक्चुअल में हटा देना है ताकि कोई बच्चा इंग्लिश की वजह से पीछे ना रह जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग अ गुड ऑडियंस।